दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चोट के बावजूद रोहित शर्मा ने पलट दिया पूरा का पूरा मैच। जी हां दोस्तों, अंतिम ओवर में चाहिए थे 19 रन, फिर चोटिल रोहित शर्मा ने यह कुछ ऐसा जिसकी हो रही है तारीफ ही तारीफ। रोहित शर्मा ने 19 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की जहां हिटमैन ने गेंदबाज के साथ पूरी बांग्लादेश की टीम की नींद भी उड़ाई। आखिरकार 100 ओवर में खेल के मात्र 5 ओवर में उपस्थित दर्ज करते हुए रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर कैसे पहुंचाया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में आर पार वाले मुकाबले को खेलने के लिए उतरी, तो इस मुकाबले में विरोधी टीम के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं गेंदबाजी करने के लिए भारत को आमंत्रित किया, जहां पर भारतीय टीम को दूसरे ओवर में एक खुशखबरी के साथ दुख भरी खबर भी मिली, जहां पर पारी की शुरुआत करने के लिए आए अनामुल को मोहम्मद सिराज ने ओवर की चौथी गेंद पर 11 रन बनाने के बाद LBW आउट कर दिया और भारतीय टीम को पहला विकेट दिलाया और अब बल्लेबाजी करने संतो आए। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक बुरी खबर मिली, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अंगूठे की चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए और पूरा मुकाबला नहीं खेल पाए। अब संतो लिटन दास ने पारी को संभाल लिया, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए लिटन दास को 17 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शाकिब अल हसन आए। हालांकि शाकिब अल हसन मलिक की खतरनाक बाउंसर के सामने काफी घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, परंतु मलिक ने 14 ओवर में शानदार बल्लेबाजी कर रहे संतो को 21 रन पर 151 किलोमीटर प्रति घंटे की धारदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मुशफिकुर रही आए। इस बीच दोनों ने पारी को संभालने की सोची, लेकिन शाकिब अल हसन 17 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की जगह गेंद पर 8 रन बनाने के बाद धवन के हाथों कैच आउट हो गए, तो वहीं अब लगातार विकेट पर विकेट गिरने लगे थे। इसी बीच शानदार गेंदबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने 19वें ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट ले लिए, जहां पर मुशफिकुर रहीम के 12 रन के स्कोर पर गब्बर के हाथों कैच आउट कराया और अफीफ हसैन की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद महमूदुल्लाह और पिछले मैच के हीरो मेहंदी हसन ने पारी को संभाल लिया और अंत तक नॉन स्टॉप काउंटर अटैक करते हुए 149 रन की साझेदारी कर डाली। हालांकि 69 रन पर 6 विकेट गिर जाने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला, लेकिन इसी बीच 48 ओवर में मलिक ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 217 रन पर विरोधी टीम का 7वां विकेट महमूदुल्लाह के रूप में 77 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा कर रख दिया, तो वहीं पारी के अंतिम गेंद पर मेहंदी हसन ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया, जहां मेहंदी हसन ने 83 गेंदों पर 100 रन की नाबाद पारी खेली और नसूम ने 18 रन की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम ने 271 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, तो वहीं मलिक और सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए। लेकिन अब भारतीय टीम 272 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी, जहां पर रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में पारी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली और शिखर धवन मैदान पर उतरे, जहां पर विराट कोहली ने पहली गेंद पर चौका लगाकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि इसी बीच दूसरे ओवर में विराट कोहली 6 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद इबादत हुसैन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, लेकिन दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन भी मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट हो गए। आपको बता दें कि शिखर धवन ने 10 गेंदों पर 8 रन की पारी खेली और अब पारी को संभालने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर आज भारत को कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और 19 गेंदों पर 11 रन की पारी खेलने के बाद वो भी शाकिब अल हसन की गेंद पर लिटन दास के हाथों पावर प्ले की अंतिम गेंद पर कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल मैदान पर आए। इस बीच पारी को केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने संभाल लिया, परंतु इसी बीच 19वें ओवर में लगभग बनती हुई पारी को तोड़ने का काम मेहंदी हसन ने कर दिया, जहां पर केएल राहुल 28 गेंदों पर 14 रन बनाने के बाद LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए और अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी अक्षर पटेल के साथ श्रेयस अय्यर के ऊपर थी, जहां 25 ओवर में श्रेयस अय्यर ने 68 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने 107 रन की साझेदारी पूरी कर ली। एक समय पर भारतीय टीम के 65 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, तो वहीं 5वां विकेट 172 के स्कोर पर 35वें ओवर में गिरा, जहां पर
श्रेयस अय्यर ने 102 गेंदों पर 82 रन की पारी खेलकर मेहदी हसन की गेंद पर अफीफ हसैन के हाथों में कैच दे दिया और अब बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आए। दूसरी तरफ से 39 ओवर में अक्षर पटेल 56 गेंदों पर 56 रन बनाने के बाद इबादत हुसैन की गेंद पर शाकिब अल हसन के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने दीपक चहर आए। और दूसरी तरफ से शार्दुल ठाकुर 23 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद शाकिब अल हसन की गेंद पर मुस्तफिजुर के हाथों स्टंप आउट हो गए और अब मुकाबले में एक नया मोड़ आ गया जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए चोटिल कप्तान रोहित शर्मा आए। तो दूसरी तरफ से दीपक चहर 46 ओवर में 18 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद संतों के हाथों कैच आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने मोहम्मद सिराज आए और 48 ओवर में 2 रन बनाने के बाद महमूदुल्लाह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और अगले ओवर में रोहित शर्मा ने 2 छक्के और 1 चौके के साथ 19 रन बटोरे। तो वहीं अंतिम ओवर में जीत के लिए जब 19 रन की आवश्यकता पड़ी ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए और बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्के के साथ 14 रन बटोर लिए और रोहित शर्मा ने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्कों की आवश्यकता पड़ी तो रोहित शर्मा ने 1 छक्का लगा दिया लेकिन अंतिम गेंद पर 1 ही रन बना पाए और रोहित शर्मा ने नाबाद 28 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली और इस मुकाबले को भारतीय टीम 5 रन से हार गई। तो वहीं सीरीज 2-0 से बांग्लादेश के पक्ष में पहुंची और इस मुकाबले में मेहदी हसन जीत के हीरो रहे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम की हार के विलेन रहे कौन? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।